Hello. Hello everyone. Yes. हाँ बेटा, हम बात कर रहे थे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शंस क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है? तो यहाँ पे हम दोबारा से एक बार फोटोसिंथेसिस को बताते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है बेटा, ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सनलाइट क्लोरोफिल, ठीक है? उसके बाद वॉटर, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें चाहिए हमें सनलाइट के लिए। क्या क्या चाहिए बेटा? सनलाइट के लिए हमें चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए सनलाइट, हमें चाहिए क्लोरोफिल, हमें चाहिए वाटर, हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा? अब यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, देखो केमिकल रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है बेटा, 6CO2 प्लस 6H2O प्रेजेंस होती है सनलाइट की, प्रेजेंस होता है क्लोरोफिल, उसके बाद बनता है यहाँ पे C6H12O6 प्लस 6H2O, ठीक है बेटा? C6H12O6 उसके बाद बनता है 6H2O। यहाँ पे ये है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे है ये वाटर, यहाँ पे है ग्लूकोज, यहाँ पे है वाटर। 6H2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 6O2। क्या होगा यहाँ पे 6O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है प्लांट्स को? फ्रॉम एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से क्या मिलती है प्लांट्स को? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है फ्रॉम एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से क्या मिल गई प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड। और वॉटर कहाँ से मिल गया? फ्रॉम सोइल, फ्रॉम सोइल, मिट्टी से क्या मिल गया पानी, उसको पानी मिल गया, ठीक है? जो प्लांट्स की जो रूट होती है वो वॉटर का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है? एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सोइल, मिट्टी से पानी का एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है? प्लांट को दो चीजें मिल गई, एनवायरमेंट से CO2 मिल गई और सोइल से क्या मिल गया, वॉटर मिल गया। अब देखो सनलाइट कहाँ से मिलेगा? सन से मिलेगा, जैसे सन है हमारा, ठीक है? सन से क्या मिलेगी? सनलाइट। सन से क्या मिलेगी बेटा? सनलाइट। ये सनलाइट मिलेगी सन से, ठीक है बेटा? यहां से है सन,
और क्लोरोफिल कहां से मिलता है? फ्रॉम लीव्स, फ्रॉम लीव्स। लीव्स से क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज क्या होता है बेटा? एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज, रिलीज इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर प्लांट्स को क्या क्या चाहिए। एक तो चाहिए उसको CO2, जो किससे मिलती है? उसको एनवायरमेंट से मिल जाती है, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरे नंबर पे चाहिए उसको H2O, जो उसको सोइल से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे चाहिए उसको क्लोरोफिल, वो उसको कहां से मिलता है? लीव से मिलता है। उसके बाद सनलाइट किससे मिलती है? सन से मिलती है। किसका फॉर्मेशन होता है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज एक प्रकार से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद ऑक्सीजन कहां होती है? एनवायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है, ठीक है। जिसे हम इनहेल करते हैं, हम कौन सी गैस छोड़ते हैं एनवायरमेंट में? कार्बन डाइऑक्साइड। उसे कौन लेते हैं? प्लांट लेते हैं। प्लांट कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। उसे कौन लेते हैं? हम लेते हैं। मतलब जो गैस हमने छोड़ी वो किसने ली? प्लांट ने ली। जो प्लांट ने छोड़ी वो किसने ली? हमने ली। तो कहने का मतलब जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स एनिमल्स पे निर्भर रहते हैं और एनिमल्स प्लांट पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये आपस में इनमें रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें आनी चाहिए, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने बात की थी स्टोमेटा की। स्टोमेटा का मतलब टीनी स्पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो जो लीफ होती है उसकी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं? गैसों का एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज इज ऑफ गैस, ठीक है। ऑक्सीजन बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो स्टोमेटा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा होते हैं वो दिन के समय खुलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। स्टोमेटा आर ओपन इन डे टाइम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसके बाद नाइट के समय स्टोमेटा बंद हो जाते हैं बिकॉज एब्सेंस ऑफ सनलाइट। रात के समय में क्या सनलाइट होती है? क्या नहीं होती, ठीक है। यदि सनलाइट नहीं होगी तो स्टोमेटा बंद रहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें हमने यहां तक पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं डेमोंस्ट्रेशन, ठीक है। डेमोंस्ट्रेशन तुम्हारे बुक के अंदर तीन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पे इन डेमोंस्ट्रेशंस के अंदर ये देखेंगे कि प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है क्या, प्लांट्स के लिए सनलाइट जरूरी है क्या, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके अंदर क्या बनता है? स्टार्च बनता है। हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि स्टार्च बन रहा है या नहीं बन रहा? तो वहां पे हम टेस्ट लगाते हैं, लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट के द्वारा हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि अंधेरे कमरे में हमने दो, पहला जो डेमोंस्ट्रेशन है वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। यहां पे मैं इसको साफ कर देता हूं, उसके बाद हम आगे रीड करते हैं। इतना समझ में आ गया बेटा सभी के? सभी को आवाज आ रही है क्या मेरी? टाइप करें, सभी अपना वीडियो विजिबल करें बेटा, अपना वीडियो विजिबल करें सभी। बेटा अपना वीडियो विजिबल करें सभी। हाँ बेटा, अब देखो हम बात करते हैं आगे, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस सभी के समय आ गया क्या? टाइप करें,
फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया क्या? यस सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की। डेमोन्स्ट्रेशन से पहले एक टॉपिक और है, और टॉपिक है ये है, इसके अंदर आपको स्टोमेटा का डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है बेटा, स्टोमेटा का डायग्राम उसकी हेल्प से बनाना है, और स्टोमेटा के अंदर ओपन स्टोमेटा दे रखे हैं और क्लोज स्टोमेटा दे रखे हैं। ठीक है बेटा, दोनों डायग्राम्स आपको इसमें से बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है, आगे हम बात करते हैं, आगे है तुम्हारी बुक्स के अंदर रोल्स ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस का मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लीव्स होती है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे। अंडरस्टैंड एवरीवन, मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है क्या? हाँ बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द लीव्स, मतलब जो फूड का जो सिंथेसिस होता है वो किससे होता है? बाय द हेल्प ऑफ लीव्स। ठीक है बेटा, सेकेंड पॉइंट है लीव्स इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स होती है वो फोटोसिंथेसिस की क्या होती है? साइट होती है। ठीक है, विदाउट लीव्स के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यस, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। लीव्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इन देयर सेल्स, मतलब जो लीव्स होती है उनकी जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल फाउंड इन द सेल्स ऑफ लीव्स। ठीक है बेटा, आगे क्लोरोफिल्स हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द सन एनर्जी। जो क्लोरोफिल होता है वो सन की एनर्जी को क्या करता है? कैप्चर करता है, पकड़ता है। ठीक है, कैप्चर करता है, उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। विच इज यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर, मतलब जो सनलाइट क्लोरोफिल ने कैप्चर की और एनवायरमेंट से क्या ले ली? CO2 ले ली, सोइल से क्या ले लिया? वॉटर ले लिया। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर्स। वेरी गुड, उसके बाद देखो लीव्स हैव स्मॉल टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये हमने बात की थी, जो लीव्स होती है उसके जो सरफेस होती है, ठीक है, उसके नीचे की सरफेस के ऊपर स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा के बारे में हमने बता दिया था, स्टोमेटा फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स थ्रू स्टोमेटा CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर द लीव्स। मतलब स्टोमेटा के थ्रू जो CO2 होती है एनवायरनमेंट के अंदर वो एंटर करती है। वेरी गुड, उसके बाद देखो ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वाटर आल्सो गो आउट ऑफ द लीव्स थ्रू दिस स्टोमेटा। मैंने बताया कि जो वाटर होता है वो स्टोमेटा के द्वारा अंदर जाता है, CO2 है वो स्टोमेटा के द्वारा अंदर जाती है। ठीक है, उसके द्वारा फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का और साइड प्रोडक्ट के रूप में उसमें बनता है क्या? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होती है? एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स लीव्स, डेजर्ट प्लांट्स लीव्स, मतलब जो मनुष्य के अंदर जो पौधे होते हैं क्या उनके अंदर लीव्स होती है क्या? नहीं होती। उनकी जो लीव्स होती है वो कन्वर्ट होती है स्पाइंस में, कांटे बन जाते हैं। जैसे नागफणी देखिए आपने, कैक्टस नागफणी पे कांटे होते हैं ना, तो पत्तियां होती है उस पे? नहीं होती। उसकी जो लीव्स होती है वो कन्वर्ट होती है स्पाइंस के अंदर। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं, द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट, द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट convert into spines। spines का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कांटे। ठीक है, तो कांटे एक प्रकार से उसकी सरफेस कम होती है, जिससे क्या होगा? पानी का इवेपोरेशन नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। तो जो स्पाइंस होते हैं वो ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये पॉइंट और लिख लेना आप,
indigenous plants like cactus. Example क्या है? The leaves of desert plants convert into spines. Example क्या हो गया? Cactus. जो नाखूनी होती है, ठीक है? Cactus. उसके बाद ये ध्यान रखना. Spines prevent or reduce the spines जो ही spines है, ठीक है? Spines. Spines reduce and prevent the prevent का मतलब होता है रोकना prevent the loss of water by transpiration स्पाइंस क्या काम करते हैं स्पाइंस जो क्या काम करते हैं रिड्यूस कम करना प्रिवेंट रोकना लॉस ऑफ वाटर पानी मतलब ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है कि जो पौधा होता है पौधे से पानी वेपर के रूप में बाहर निकलता है जैसे हम प्लांट के नीचे जाते हैं तो हमें थोड़ा सा कोल्ड फील होता है ठंड का आभास होता है क्यों क्योंकि प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती रहती है ठीक है तो यदि डेजर्ट प्लांट है उसको वैसे पानी नहीं मिलता डेजर्ट जो मरुस्थल होते हैं ठीक है जहां पे रेत होता है वहां पे पानी वैसे ही कम होता है तो वो पानी को बचाने के लिए उनके अंदर जो लीव्स होती है वो कन्वर्ट होती है स्पाइंस के रूप में ताकि पानी बर्बाद ना हो ट्रांसपायरेशन के रूप में ठीक है तो यहां पे ध्यान रखना स्पाइंस रिड्यूस एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन ठीक है ट्रांसपायरेशन के द्वारा पानी का लॉस ना हो रिड्यूस ना हो ठीक है तो इनके अंदर ये होता है उसके बाद लास्ट पॉइंट है द स्टेम इन दिस प्लांट्स The stems in these plants green color का होता है. The stem in these plants becomes green to carry out. Photosynthesis. ठीक है बेटा ये बोल रहा है कि जो इनका जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है तो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है उसमें क्लोरोफिल होता है एक प्रकार से तो क्लोरोफिल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है फॉर फोटोसिंथेसिस ठीक है स्पाइस उसमें यदि लीव्स नहीं है तो उनका जो तना होता है जो स्टेम होता है वो कैसे कलर का होता है ग्रीन कलर का तो वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है ठीक है ये ध्यान रखना उसके बाद ये जो ट्रांसपायरेशन है ये क्या है तो इसके स्क्रीनशॉट ले उसके बाद हम बात करते हैं आगे हाँ बेटा अब हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन की नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ट्रांसपायरेशन ट्रांसपायरेशन तो ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म्स थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स ठीक है जो प्लांट की जो लीव्स होती है उसकी जो सरफेस होती है उसके द्वारा क्या होता है पानी है वो वेपर के रूप में बाहर निकलता है तो यहां पे लिखा द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड
ट्रांसपायरेशन। तो इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म टू द सरफेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। मतलब ट्रांसपायरेशन के अंदर जो पानी होता है वो वेपर फॉर्म में प्लांट की जो लीव्स होती है उससे बाहर निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए जो डेजर्ट प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो स्पाइन्स के अंदर कन्वर्ट होती है। स्पाइन्स के अंदर कन्वर्ट होने से जो ट्रांसपायरेशन की जो प्रोसेस है उसके द्वारा जो पानी है वो रिड्यूस होगा, उससे बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, फोटोसिंथेसिस के लिए उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर के स्टेम के कारण जो उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, प्रेजेंट होगा, और क्लोरोफिल के कारण उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बात करते हैं आगे। ठीक, ट्रांसपायरेशन के बाद हम बात करते हैं आगे। फोटोसिंथेसिस प्लांट विद रेड ब्राउन वायलेट लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है, मैं उसको वैसे बता देता हूँ। फोटोसिंथेसिस प्लांट विद रेड ब्राउन वायलेट लीव्स, मतलब जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां जो होती है वो रेड कलर की होती है, कुछ की ब्राउन कलर की होती है, कुछ की वायलेट कलर की होती है, क्या उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है क्या? यस, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब इन ये जो कलर दे रखे हैं, रेड है, वायलेट है, ठीक है, इनके अंदर ही वहां पे ग्रीन कलर भी कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन मतलब ग्रीन कलर थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि ग्रीन कलर है तो वहां पे क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर है तो वहां पे क्या है बेटा, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे प्लांट जिनकी लीव जो होती है वो रेड कलर की है या ब्लू कलर की है, ठीक है, तो उनके अंदर कुछ क्वांटिटी के अंदर ग्रीन कलर भी पाया जाता है, और ग्रीन कलर के अंदर क्लोरोफिल होगा और वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इंपोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंपोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा कि प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ फूड, दूसरा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होना, ठीक है, तो ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंस है। जैसे ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फूड बाय मेड बाय प्लांट्स, मतलब जितने भी हमारे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, सभी अपने भोजन के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, डायरेक्टली रूप से। उसके बाद ऑक्सीजन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर रेस्पिरेशन, मतलब हम सांस लेते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन नहीं हो तो वहां पे हम सांस नहीं ले सकते। कोरोना के अंदर क्या हुआ था कि लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो कम हो गया, ठीक है, तो वहां पे एक प्रकार से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए एक प्रकार से आईसीयू में उनको एडमिट होना पड़ा था, ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन की जो सैचुरेशन है वो एक प्रकार से 90 से अबव होनी चाहिए, ठीक है, जैसे ही 90 से अबव कम हो गई, ठीक है, तो वहां पे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिससे बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगी और हम सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर होल ऑर्गेनिजम्स फॉर रेस्पिरेशन, विदाउट रेस्पिरेशन नो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, बिना ऑक्सीजन के कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, नोटिस करना इसको। हाँ, हम बात करते हैं आगे, फोटोसिंथेसिस मेंटेन ए बैलेंस
balance between oxygen and carbon dioxide, this balance will be disturbed in the absence of photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस होता है उसको कंट्रोल करती है। यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो एनवायरनमेंट के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और हम ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यदि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? ठीक है, यस बेटा। उसके बाद देखो, Similarly, if the sun does not rise at the pole for a new month, photosynthesis will not occur. यदि ऐसा हो कि sun rise ही ना हो, तो क्या photosynthesis हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है? Plant के भोजन बनाने के अंदर photosynthesis बहुत ज़्यादा responsible होता है, ठीक है? उसके बाद तुम्हारी books के अंदर तीन demonstration है। कितने demonstration है? There are three demonstrations in your books, ठीक है बेटा? कितने demonstration है? तीन demonstration है। ये डेमोस्ट्रेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, जितना मैंने आपको बताया है उसको याद करना है। मैंने बताया है आपको स्टोमेटा के डायग्राम है वो आपको बनाने हैं, ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा, ठीक है, ये आपको बनाने हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।